मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब सातवें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वह जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट किया दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। ये पैसा देशवासियों की जेब में गया। और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का माल तो बाहर का होता था, इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने, अब मुझे बताइए, भारत में बनी चीज बिकनी चाहिए, इससे आप सहमत है कि नहीं है? हमारे देश का माल ही बिकना चाहिए, सहमत है कि नहीं है? क्या कांग्रेस के लोगों को ये बोलने में क्यों शर्म आती है भाई? क्यों शर्म आती है? उनके पेट में क्या दर्द होता है? क्या उनका विदेशों से कोई ऐसी सांठ गांठ रहा है कि विदेश का माल ही लाना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने एक बार भी लोकल के लिए वोकल होने की बात नहीं की है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से आत्मनिर्भर भारत अभियान हर भारतीय का संकल्प बन चुका है। भाजपा सरकार बैतूल के गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दे रही है। गुड़ क्लस्टर बनने से भी यहां अनेक नए रोजगार बनेंगे। बैतूल सहित एमपी के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बैतूल जिले में वुडन क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। इससे सैकड़ों छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे, हजारों नए रोजगार यहीं पर सृजित होंगे। कुछ दिन पहले ही
केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इससे फर्नीचर के काम से जुटे हैं हमारे बड़ाई राजमिस्त्री ऐसे अनेक कारीगरों को लाखों रुपए की मदद भाजपा सरकार देगी। भाजपा की डबल इंजीनियर सरकार यहां आधुनिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। यहां मेलघाट टाइगर रिजर्व है, आदिवासी कला संस्कृति का खजाना है। गौड़ राजवंश के प्रतीक सिंगोरगढ़, मदन महल और रामनगर के गढ़ों के संरक्षण का काम भी तेजी से हो रहा है।